हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। तो भाई लास्ट एपिसोड में ना हमने अपने लिए प्यारा सा गैस स्टेशन खरीद लिया था, जो कि भाई देखा जाए तो हमारी शायद ग्रैंडफादर का था। और इसको ना भाई हमने चलाना शुरू कर दिया था और इससे भाई थोड़ी बहुत हमने कमाई भी कर ली थी। और उस सब में भाई साथ दे रहा था हमारा खुद का चाचा। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट है कि वो जो हमारा चाचा भाई वो थोड़ा खतरनाक टाइप का इंसान है, मतलब भाई काइंड ऑफ गैंगस्टर टाइप। तो भाई उसने ना मेरे को 5,000 का लोन दिया था जिससे मैं इसको चला सकूं अच्छी तरह से, लेकिन भाई मैं उसको चुका नहीं पाया था टाइम पे। तो भाई वो मैं आके बहुत ही बुरा पीट के गया था और बोला था कि भाई मेरा पैसा जल्दी से जल्दी चुका देना। तो भाई देखना ये है कि आज हम उसका पैसा चुका पाएंगे या फिर नहीं चुका पाएंगे। और साथ ही ना भाई हम आज इस जगह को रिनोवेट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई आप ना इसको देख सकते हो काफी ज्यादा बुरे हालत में। मतलब भाई हमारा जो गैस स्टेशन है काफी ज्यादा बेकार कंडीशन में, इसका कलर जा चुका है काफी ज्यादा भाई, टूटी फूटी हालत में। तो मुझे इसको रिनोवेट करना पड़ेगा, काफी ज्यादा इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। और आज ना भाई इसको मैं पूरी तरह से पेंट कर दूंगा और साथ ही भाई इधर उधर की जो चीजें है ना मैं उनको भी ठीक कर दूंगा और अपने बिजनेस को ना ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश भी करूंगा। और लास्ट एपिसोड भाई हमने जहां से छोड़ा था वहीं से मैं इसको शुरू कर रहा हूं। लास्ट में ना भाई हमारे पास एक फोन आ रहा था जिसको भाई मैं ना उठाने से डर रहा था, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है ये हमारे उसी गैंगस्टर चाचा का फोन हो सकता है। तो भाई बिना डरे इस फोन को मैं फटाफट से उठा लेता हूं और देख लेता भाई हमारा चाचा हमसे क्या बोलता है इस बार। तो लड़के मैं जब तक इस फोन में बात कर रहा हूं तब तक भाई आप इस वीडियो को लाइक कर दो, बस 0.5 सेकंड की बात है। तो ठीक है भाई मैं जल्दी से बात कर लेता हूं, बहुत ही ज्यादा देर से बजने लग रहा है। तो लड़के जैसा कि मैं बोल रहा था भाई हमारे इस चाचा का फोन था। और एक ना भाई गुड न्यूज है कि हमारा जो चाचा ना वो थोड़ा पिघल चुका था हमें मार खाते देख, क्योंकि भाई वो बोल रहा था वो ना भाई इसकी गलती नहीं थी, वो ना इसके भाई आदमियों की गलती थी, उनको पता नहीं था कि भाई मैं उसका खास भतीजा हूं, तो उन्होंने भाई गलती से मुझे पीट दिया था। तो भाई चाचा ना हमसे सॉरी मांग रहा था और उस सॉरी के चक्कर में उसने बोला जो भी मुझे उसने लोन दिया था ना भाई 5,000 का वो उसने माफ कर दिया है। मतलब भाई ये कि अब हमें किसी भी लोन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ना चाचा ने हमें एक एडवाइस दिया बिजनेस के लिए कि भाई तुम्हें अगर अपना बिजनेस बढ़िया करना है ना तो तुम्हें अपना ये वाला वेयर हाउस अच्छी तरह से खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमें सामान वगैरह मंगाना होगा ना तो वो भाई इसी वेयर हाउस के अंदर ट्रक आया करेगा और वो अनलोड करके जाया करेगा और हम सारा का सारा सामान फिर यहाँ से उठा के अपने इस गैस स्टेशन के अंदर लगा दिया करेंगे, जिससे भाई हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाया करेगा। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे ना मैंने 2 शेल्फ लगा दिए थे और इनके ऊपर जितना भी सामान है ना भाई वो सारा का सारा चाचा की देन है, वो भाई हमारे चाचा ने हमें दिया था। और फिलहाल आप सोच रहे होगे कि भाई इतनी देर हो गई कोई भी कस्टमर क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड में ना मैंने अपने इस गैस स्टेशन को क्लोज कर दिया था और ऊपर भाई लिखा भी आ रहा था एंटायर गैस स्टेशन इज क्लोज। तो जल्दी से भाई मैं इसको ओपन कर देता हूँ वरना भाई कोई भी नहीं आने वाला यहाँ पे। तो ठीक है भाई मैंने इसको ऑन कर दिया और जल्दी ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाइन लगने वाली है कस्टमर्स की। और मैं एक बार ना अपना फ्यूल चेक कर लेता हूँ, फ्यूल भाई कहाँ से चेक करते हैं, फ्यूल आई थिंक फ्यूल टैंक में चेक कर सकता हूँ मैं। और मेरे पास इस टाइम $740 जो कि भाई ठीक ठाक अमाउंट है। और फ्यूल टैंक भाई कहाँ से चेक करूँ, फ्यूल टैंक आई थिंक मैं पीसी पे चेक कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है भाई मैं उसको बाद में चेक कर लूंगा। फिलहाल तो मैं ऐसा करता हूँ इस पे ना पेंट करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि भाई दीवार है ना बहुत ही ज्यादा पुरानी हो रखी है मेरे इस गैस स्टेशन की। तो ठीक है मैं पहले कर देता हूँ इस वाली दीवार को, तो इस पे मैं व्हाइट ही कलर करने वाला हूँ, तो जल्दी से मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। तो ठीक है भाई ये वाली दीवार व्हाइट हो चुकी है, इसको भी मैं कर देता हूँ। इस साइड का फेस तो भाई मैंने पूरा का पूरा व्हाइट कर दिया है, जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा मस्त भी लग रहा है। तो ठीक है एक पहले तो मैं देख लेता हूँ। ओ भाई यहाँ पे 3-3 गाड़ियां पार्क हो चुकी है उत्तरी, मुझे लगा था सिर्फ यहाँ पे एक गाड़ी की जगह है, लेकिन ठीक है यहाँ पे 3-3 गाड़ियां आ चुकी, जो कि भाई बढ़िया चीज है। फिलहाल तो यहाँ पे एक गाड़ी भी आ चुकी, तो इसके अंदर मैं फ्यूल डाल देता हूँ। और फ्यूल डालने का भाई मैकेनिज्म ना इस गेम का मुझे काफी ज्यादा मस्त लगता है। और $22 का भाई इसने फ्यूल डलवा लिया और यहाँ पे ना भाई 2 बंदे भी आ चुके, एक तो पुलिस वाला है। तो भाई ठीक है इनको जल्दी से मैं इनका सामान बेच देता हूँ और इनसे ना भाई पेमेंट ले लेता हूँ। और आई थिंक ये भी मेरे को $60, यार सामान तो थोड़ा सस्ता ही जा रहा है। और एक बंदा और लगा पड़ा है लाइन में, तो ठीक है मैं इसको भी जल्दी से सामान भेज देता हूँ। भाई ये चिप्स बहुत खा रहा है बंदा, तो ठीक है चिप्स हो गए, ये इसके कुकी हो गए, ये और कुकी हो गए भाई, और ये भी कुकी हो गए, मतलब सारी की सारी चीजें खाने पीने वाली हैं। कोई भी भाई मैंने ऐसे चीज नहीं रखी हुई जो भाई डेली यूज में काम आती हो, तो शायद मुझे ना और ज्यादा सामान मंगा लेना चाहिए। तो पहले तो भाई मैं सारे के सारे कस्टमर्स को फ्री कर देता हूँ, उसके बाद भाई मुझे अपने गैस स्टेशन के काम निपटाने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी बहुत देर इनको वेट कराया ना भाई तो ये बिना सामान लिए ऐसे भाग जाएंगे और मुझे थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, जो कि भाई बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। फिलहाल ओ भाई ये मेरे को गुड जॉब बोल रहा है, अबे भाई ये तो बढ़िया बात है। और यहाँ पे कोई गाड़ी तो नहीं आई हुई, नहीं यार यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आई हुई। तो ठीक है मेरे को टास्क दिया हुआ है लैंडमार्क डेकोरेशन बोर्ड, ओ मेरे को एक लैंडमार्क डेकोरेटिव आइटम चाहिए। तो ठीक है मैं डेकोरेशन में चला जाता हूँ और इधर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। और मेरे को क्या खरीदना भाई, मेरे को क्या खरीदना है, मेरे को मैं कहाँ चुका हूँ भाई, सो एंड हाइड लैंडमार्क, तो यहाँ से मुझे भाई ये खरीदना है $50 का। तो देख लेता हूँ भाई ये क्या चीज है। ओ यहाँ पे 2 गाड़ी लग चुकी है भाई, जो कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ना गैस स्टेशन है, जो कि बढ़िया चीज है। एक बार मैं जाके देख लेता हूँ उत्तरी, ये तो ठीक लग रही है देखने में। हाँ ठीक है भाई बढ़िया लग रही है, कोई नहीं, वैसे ये एक ही, अगर यहाँ पे 1-2 और लग जाती ना तो ज्यादा बढ़िया लगती, लेकिन ठीक है। और आई थिंक मुझे ना ये डस्ट बॉल का जो भाई मेरा साइन है ये भी मुझे जल्दी रेनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो ना पूरा का पूरा टूटा फूटा पड़ा है। और सबसे पहले तो भाई मुझे ये ना गैस स्टेशन का जो फ्यूल पंप है ना इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने का है। तो ठीक है मैं यहाँ चला जाता हूँ। तो मुझे अब क्या खरीदना है भाई, मुझे ना अपना गैस स्टेशन अपग्रेड करना है, मैं ना अब लेवल 2 पे जा सकता हूँ आई थिंक। तो लेवल 2 पे जाने के लिए बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है।
और मेरा लेवल 2 अपडेट हो चुका ऑलराइट, और मेरा गैस स्टेशन लेवल 2 का अपग्रेड हो चुका भाई, जो कि बढ़िया बात है। और थोड़ा सा मुझे लगता है भाई ये बड़ा हो चुका है, ओ तेरी ये बड़ा हो चुका है भाई, आप देख सकते हो। तो ठीक है, पहले तो भाई मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसको मैं पिक कर लेता हूँ और इसको ना मैं इस वाले कॉर्नर में लगा देता हूँ, क्योंकि भाई शेल्फ ना हमेशा कॉर्नर में रखे हुए अच्छे लगते हैं, जिससे ना भाई ये कम से कम स्पेस घेरते हैं और लोगों को ना भाई सामान लेने में भी आसानी रहेगी। ठीक है भाई, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और दूसरे वाले को लगा देता हूँ मैं इसके बिल्कुल बाजू में यहाँ पे। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों शेल्फ बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पे ना भाई काफी ज्यादा कूड़ा करकट भी जमा हो चुका है, तो मुझे ये भी साफ करना पड़ेगा। और इनसे भाई मुझे पैसा लेना है क्या? एक सेकंड, यहाँ पे गाड़ियां लोग पार्क कर रहे हैं, लेकिन भाई पता नहीं मुझे पैसा कैसे लेना है इनसे। लेकिन पहले तो भाई इस वाली गाड़ी के अंदर मैं फ्यूल डाल देता हूँ और वेट फॉर द कस्टमर्स ऑर्डर। क्या भाई ये क्या चीज है? ठीक है, अब मुझे डालना है। ठीक है, और ठीक है मैंने इसको फ्यूल डाल दिया और एक्यूरेसी के साथ मुझे अलग से पॉइंट मिलते हैं भाई, ये तो बढ़िया चीज है। और मुझे ना भाई एक नया टास्क मिल चुका है, फाइंड ए वे टू एंटर द वेयर हाउस, मतलब मेरा जो वेयर हाउस है ना भाई मुझे उसके अंदर एंटर करना है, जैसे कि भाई हमारे चाचा ने बोला था। तो इसमें एंटर होने के लिए ये रहना दरवाजा, तो इसको खोलने के लिए भाई मुझे क्या चाहिए? तो आई थिंक मैं ना कोई खिड़की वगैरह मुझे ढूंढनी चाहिए। और ये मेरा यहाँ कैसे आ गया भाई? इसको तो मैंने वहां पे खड़ा किया था, पता नहीं भाई ये अपने आप ही चलता है क्या रात में। ये वाला भी लॉक है भाई, ये वाला खुल जाएगा कि एक सेकंड, ये वाला भी लॉक है। आई थिंक मुझे ना कोई खिड़की वगैरह ढूंढनी पड़ेगी जिसकी मदद से भाई मैं अपने वेयर हाउस के अंदर घुस सकूं। लेकिन कैसे ढूंढू खिड़की? एक सेकंड, मुझे ना सीढ़ी मिल चुका है। ठीक है, मैं इसके ऊपर चढ़ चुका हूं। और यहां से कोई रास्ता है क्या भाई अंदर जाने का? नहीं यार, यहां से भी कोई रास्ता नहीं है। और पता नहीं भाई मैं वेयर हाउस के अंदर कैसे घुस पाऊंगा, क्योंकि भाई सारे के सारे लॉक लगे हुए हैं। ये वाला खुल जाएगा क्या? नहीं यार, ये वाला भी नहीं खुल रहा और ये वाला भी नहीं खुल रहा। एक बार ना मैं क्या करूं, फ्यूल खत्म हो गया क्या? एक सेकंड यार भाई, यहां पे चाबी थी और मैं ऐसे ही घूमने लग रहा था। तो लट गाइस, मैं चाबी लेके आ चुका हूं। अब भाई मुझे इस गेट को खोलना है, तो अब तो शायद ही खुल जाएगा। खुल चुका है, बढ़िया भाई बढ़िया। और काफी ज्यादा भाई ये बड़ा तो है, लेकिन इसके अंदर भाई आवाज कैसी आ रही है? मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट सर्किट हो रहा है इधर। और ये बनी बैठा भाई यहाँ पे ड्रम के ऊपर। लेकिन नहीं यार, इसको मुझे नहीं हटाना और इसको मैं खोल देता हूँ। ठीक है, और बी केयरफुल, कीप योर वेयरहाउस गेस्ट क्लोज, अदरवाइज समवन मे स्टील यू फ्रॉम यू। ओ भाई, मुझे ना इस गेट को लगा के रखना चाहिए, क्योंकि भाई चोरों का कोई भरोसा नहीं है, वो मेरे से आगे चोरी कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं ये वाला गेट लगा देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ। ऑलराइट, और फिर से भाई अपने धंधे पे मैं लौट जाता हूँ। पहले तो भाई मुझे अपना काम फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि यार पेंट नहीं करूंगा ना तो लोग भाई आएंगे नहीं, बोलेंगे कितना गंदा इसका गैस स्टेशन है। तो ठीक है, पहले तो भाई मैं पेंट का काम निपटा देता हूँ। तो भाई चारों तरफ जो भी दीवार है ना उनके ऊपर तो मैं व्हाइट कलर रख रहा हूँ, और जो छत होगी ना मैं सोच रहा हूँ इसको ना मैं ग्रीन कर दूंगा, मतलब ग्रीन कलर काफी ज्यादा सूट करेगा, व्हाइट एंड ग्रीन, क्योंकि भाई मुझे ना ज्यादा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। मतलब अगर मेरे को छत ये ब्लैक दे दे, नहीं यार ब्लैक नहीं, ग्रीन ही ठीक लगेगी, क्योंकि ग्रीन कलर करना मेरे पास ऑप्शन है। तो भाई एक दो दीवारें बची हुई है, तो मैं इनको फटाफट से कलर कर देता हूँ। चलो बढ़िया भाई, ये वाली दीवार काम खत्म हो चुका है। लेकिन भाई मेरे कस्टमर्स ना मेरे को चैन ही लेने दे रहे, बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं बार बार, तो मुझे फ्यूल भी भरते रहना पड़ेगा। और जल्दी ना भाई कोई एम्प्लॉय का ऑप्शन आ जाए तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं फ्यूल डाल देता हूँ, और $55 का भाई मुझे इसने फ्यूल खरीद लिया मेरे से। और इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों आ चुके हैं भाई वेयर हाउस के अंदर? मुझे शायद बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है मैं सारे के सारे काम बाद में निपटाने वाला हूँ। पहले भाई मैं इसको फुल्ली कलर करूंगा, तभी भाई मुझे काम करने में और ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ की दीवारों को भी मैं पेंट कर देता हूँ फटाफट से। तो लड़की इस चारों तरफ की दीवारों का कलर तो मैंने खत्म कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो भाई व्हाइट कलर की दीवारें, मानना पड़ेगा काफी ज्यादा मस्त लग रही है। अब ऐसा करता हूँ भाई फटाफट से ना मैं छत को भी निपटा देता हूँ, और छत में ना भाई मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है। भाई मेरे पास है ये वाला कलर और ऑरेंज भी है भाई मेरे पास। तो ठीक है, मैं ना ऐसा करता हूँ ऑरेंज ही कर देता हूँ भाई छत पे, क्योंकि आई थिंक ऑरेंज कलर ना भाई छत के ऊपर काफी ज्यादा मस्त लगने वाला है। तो फटाफट से भाई मैं ऑरेंज कलर भी कर डालता हूँ, और हमारी छत भी फिनिश हो चुकी है। ठीक है भाई, फिनिश हो चुकी है, और ऑरेंज में भाई बुरी नहीं लग रही, मस्त लग रही है। तो ठीक है भाई, इस साइड भी मैं छत को ऑरेंज ही करने वाला हूँ। पेंट करने के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी होगा, मैं डस्टबिन को चेक ही नहीं कर रहा हूँ ये कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। तो ठीक है, पहले तो भाई मैं सारा का सारा कूड़ा इसके अंदर से भर लेता हूँ। ऑलराइट, और मैं इसको फेंक देता हूँ भाई अपने बड़े वाले गार्बेज वाले डब्बे में, इसको यहाँ फेंक देता हूँ। ठीक है, और आई थिंक मुझे लग रहा है भाई मेरा ना फ्यूल खत्म हो चुका है, तो जल्दी से मुझे ना फ्यूल भी ऑर्डर कर देना चाहिए। तो फ्यूल ऑर्डर करने के लिए मुझे जाना डिलीवरी में, और फ्यूल मुझे मंगाना चाहिए भाई 500 का, आई थिंक मैं मंगा सकता हूँ। तो मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, $500 का भाई फ्यूल मेरा आ रहा होगा, ऑन द वे है। बाकी भाई लोग ना यहाँ पे काफी ज्यादा फोन वगैरह बजा रहे हैं, और इसकी गाड़ी को क्या हो गया भाई, ये पलट क्यों गई भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? नशे वशे करके लोग चला रहे हैं गाड़ी, और काफी ज्यादा भाई रात भी हो चुकी है, और पुलिस वाले के सामने इसकी गाड़ी पलटी हुई है, लेकिन पुलिस वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और मैं क्या करूं भाई जिससे इसकी गाड़ी सीधी हो जाए? और एक बार ना भाई आप इसको देखो, मेरे ऑफिस के लोग को ये काफी ज्यादा सही नहीं लग रहा। लेकिन अबे यार ये क्या है भाई, ये बच्चा पता नहीं कब आ गया और सारी की सारी दीवारों को खराब करके जा चुका। लेकिन ठीक है, मैं इसको जल्दी से ठीक कर दूंगा। फिलहाल तो भाई मेरा पेंट का काम अभी भी रह गया, तो मैं इसको जल्दी से निपटा लेता हूं। और ठीक ठाक सही कर दिया, मतलब भाई इससे ज्यादा मैं पेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा और भी काम कर रहे हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ इसके अंदर मुझे क्या करना। उत्तरी भाई मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा ये जमा हो रखी है। तो ठीक है, पहले तो भाई मैं ऐसा करता हूँ सारी की सारी चीजों को ना यहाँ निकाल के भारी फेंक देता हूँ, डस्टबिन में मैं नहीं फेंक रहा, तो इसको भी मैं फेंक देता हूँ। अच्छा, इसमें दो तरीके है भाई जाने के अंदर। तो ठीक है, मैं सारी की सारी घास है, पता नहीं क्या चीज है यार, मैं इसमें जानवर ही पाल सकता हूँ कि भाई अगर जानवर अगर मैं इसके अंदर पाल सकता हूँ तो भाई बहुत ही तगड़ा मजा आ जाएगा फिर तो। लेकिन मुझे लगता नहीं भाई जानवर को इसके अंदर ऑप्शन होगा। फिलहाल तो भाई जितनी भी घास है मैं सारी की सारी इसके अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि भाई एक तरह से ना ये हमारे लिए
कूड़ा ही है और ये इतनी ज्यादा बड़ी भाई इसके अंदर ये आ नहीं पा रही है, तो ठीक है मैं इसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई मैं आगे चल के जो भी डिलीवरी वगैरह मंगाऊंगा ना तो उसके लिए ना मुझे भाई ये क्लियर ही करना पड़ेगा, तभी भाई मैं शायद डिलीवरी मंगा सकता हूँ। तो पहले तो भाई सारी की सारी चीजें ना मैं भारी फेंक देता हूँ, मैं पूरी की तरह से इसको क्लियर नहीं कर रहा और ये लास्ट वाला ढेर चले जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, सारा का सारा वेयर हाउस मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है अभी भी इसके अंदर कूड़ा है, लेकिन भाई मेरा जो फ्यूल टैंकर है ना वो आ चुका है, तो जल्दी से भाई मैं फ्यूल खला लेता हूँ वरना भाई ये फ्यूल वाला भी भाग सकता है यहाँ से। तो ठीक है, अपने बल्ब को मैं खोल देता हूँ और इसके पीछे ना एक गाड़ी वाला आ चुका है। यार इतने हॉर्न क्यों बजाने लग रहा है तू बेवकूफ से? तो ठीक है मैं इसको भी भगा देता हूँ। और मेरे ना शेल भाई आप देख सकते हो पूरे पूरे खाली पड़े हैं, तो मुझे इनके अंदर भी कुछ सामान भरना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ना भाई मुझे डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और ये देखो भाई बिना कोला के कैसे जा रहा है, और बाहर ना एक पुलिस वाली गाड़ी खड़ी हुई, तो इसके अंदर मैं फ्यूल डाल देता हूँ। और अकेले इंसान के लिए ना भाई शुरुआत में ऐसे गेम्स ना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाते हैं, मतलब भाई सारे के सारे काम ना मुझे खुद से करने पड़ रहे हैं, और इस समय ना भाई क्या बताऊँ कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो एक बार ना मैं फिर से डिलीवरी में चला जाता हूँ। तो ठीक है, मेरा फ्यूल का काम हो चुका है और ये यार अभी भी देखो पता नहीं क्या भाई दिक्कत आ रही है इसको। और मेरा वेयर हाउस मुझे ऐसा लगता है एक चीज और इसके अंदर रह चुकी है, तो मैं जल्दी से उसको भी साफ कर देता हूँ। भाई ये ढेर रह चुका था, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे छुप के बैठा था, तो ठीक है मैं सारा का सारा इसके अंदर डाल देता हूँ। और ये बड़ा बड़ा ट्रैश कैन भी भाई भर चुका है, तो मुझे जल्दी से भाई ट्रक भी मंगाना पड़ेगा जिससे ना भाई ये साफ हो जाए। तो ऑलराइट गाइस, तो अब मुझे ना इस वेयर हाउस को अपने को रिस्टोर करना है, इसके लिए भाई मुझे ना अपने पीसी का यूज करना है, इसके लिए मुझे जाना है अपग्रेड में, तो इसको शायद मुझे अपग्रेड करना है, $50 का खर्चा है, तो मैं जल्दी से अपग्रेड कर लेता हूँ। और मेरा वेयर हाउस हो चुका है रिस्टोर्ड, मतलब अब ना भाई मैं कुछ भी सामान मंगा सकता हूँ अपने इस गैस स्टेशन के लिए, जिसको भाई मैं इन सेल्फ पे रख दूंगा और फिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। फिलहाल तो मैं चला जाता हूँ इधर डिलीवरी में चला जाता हूँ, और अब मेरे प्रोडक्ट्स खुल चुके हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक में मंगा लेता हूँ, एड टू कार्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये वाली ड्रिंक मंगा लेता हूँ, ये वाली ड्रिंक मंगा लेता हूँ, ये वाली मंगा लेता हूँ, ये वाली भी चलो मंगा लेते हैं। बाकी स्नैक्स में मुझे मंगाने चिप्स मंगाने, ये भाई बहुत बिकते हैं, ये भी मुझे मंगा लेने चाहिए चिप्स भाई, ये भी मंगा लेने चाहिए। ये पॉपकॉर्न है, बैलीज है, और एक चंकी पता नहीं क्या चीज है, और नीचे की आइटम तो शायद मैं अभी नहीं मंगा सकता, भाई इनको भी मंगा सकता हूँ, तो ठीक है मैं इनको भी एक एक करके मंगा लेता हूँ। और मेरा हो चुका भाई 695 का बिल, लेकिन यार मैं इतनी सारी चीजें नहीं मंगा सकता क्योंकि मेरे पास ना शॉर्टेज है पैसे की, तो ठीक है मैं थोड़ा सा सामान कम कर देता हूँ, और मैं लगभग $400 का सामान मंगाने वाला हूँ। ठीक है मैं इसको भी कम कर देता हूँ, $400 का मैं सामान ऑर्डर कर देता हूँ। ऑलराइट भाई, ये ना मेरी कैपेसिटी कम बता रहा है वेयर हाउस की, तो मुझे ना कम से कम सामान मंगाना पड़ेगा। तो ठीक है $200 का आई थिंक मैंने सामान ऑर्डर कर दिया है, और एक पुलिस वाले की गाड़ी भाई कुछ ज्यादा ही आती है हमारे गैस स्टेशन पे, तो इसके अंदर फ्यूल डाल लेता हूँ। ऑल राइट, और इसने बोला ऑसम, और इसकी गाड़ी अभी तो पलटी पड़ी है भाई, पता नहीं इसकी गाड़ी कैसे सीधी होगी। फिलहाल तो भाई मैं चला जाता हूँ अपने वेयर हाउस के अंदर, और शायद मुझे ना गेट खोलना पड़ेगा उस ट्रक के लिए, लेकिन गेट तो भाई मैंने पहले से खोल के रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी अतिरिक्त सामान पड़ा है ना भाई सारा का सारा मैं साफ कर देता हूँ, और ये तो भाई फुल हो चुके हैं। यार क्या करूं, मतलब भाई इतना ज्यादा काम है, मैं क्या करूं, अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी भाई यहाँ से ना स्टंट वगैरह भी हम कर पाएंगे आगे चल के, लेकिन अभी भाई स्टंट वगैरह करने का टाइम नहीं है, अभी भाई मुझे अपना बिजनेस चलाना है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये बजा सकता हूँ भाई, एक सेकंड मैं शायद इसको बजा सकता हूँ, F2 प्ले, एक बार मैं प्ले करके देख लेता हूँ। और इसको कैसे बजाना भाई मुझे, ओ भाई हमारा प्लेयर बैठ चुका है, बढ़िया। तो मुझे क्या करना है भाई, अबे क्या गधों जैसे बजा रहा है, हट, बजाना आता नहीं, बैठ गया गिटार लेके। बाकी मेरा डिलीवरी का ट्रक आ चुका भाई, वो देखो 90 मीटर दूर है सिर्फ, और काफी ज्यादा बड़ा और रियलिस्टिक लग रहा भाई ट्रक तो, मतलब हाँ थोड़ा पुराने जमाने टाइप लग रहा भाई। ये गेम ना थोड़ा 90s का है, मतलब काफी ज्यादा पुराना गेम है, 90s 80s का या फिर 90s 90 का भाई मैं भूल चुका हूँ कब का ये गेम है, लेकिन काफी ज्यादा पुराना गेम है, मतलब गेम तो नया है लेकिन काफी ज्यादा पुरानी थीम के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए भाई इसके अंदर जो गाड़ी वगैरह है ना बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम की लगती है। बाकी पहले तो मुझे सारा का सारा सामान अनलोड करना पड़ेगा, मतलब भाई सारा का सारा सामान मुझे खुद ही अनलोड करना पड़ेगा, ये भाई पता नहीं कैसा सिस्टम है। तो ठीक है मैं यहाँ पे सारा का सारा सामान निकाल देता हूँ, और एक एक करके मुझे सामान निकालना है, तो भाई इसमें तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो ये मेरा फुल हो चुका है। तो ठीक है सारा का सारा सामान भाई मैंने यहाँ से ले लिया है, अब शायद मुझे सेल्फ पे जाके जमाना या फिर ये ऑटोमेटिक जम जाएगा भाई मुझे पता नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ अपने ऑफिस में जाके। और फिलहाल ना भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $284 है, और इनके अंदर जमाने के लिए भाई मुझे क्या करना है, ओ मैं शायद यहाँ से इनको ऐड कर सकता हूँ, एक सेकंड प्लेस ऑल, ठीक है प्लेस ऑल ठीक है इनको भी ऐड कर देता हूँ। ऑल राइट और इस वाले शेल के ऊपर सारा का सारा सामान आ चुका है जो भी मैंने मंगाया था, मतलब भाई काफी ज्यादा कम सामान था भाई, मैं तो सोच रहा था बहुत ज्यादा सामान था, लेकिन ठीक है। अच्छा एक सेकंड मैं समझ गया ये ना भाई हमारा सॉफ्ट ड्रिंक वाला शेल्फ है और ये हमारा फूड वाला शेल्फ, तो इसके ऊपर ना भाई सारा का सारा फूड का आइटम आ जाएंगे। ऑलराइट, और ये भाई फुल हो चुका है, मतलब मुझे ना एक और शेल्फ खरीदना पड़ेगा तभी भाई मेरा और सामान आ सकता है। तो फिलहाल तो भाई ये हॉर्न कौन बजा रहे इतने, यार पुलिस वालों की क्या दिक्कत है, इतने ज्यादा ये आते हैं मेरे पे फ्यूल भरवाने के लिए। तो इसके अंदर फ्यूल, ओ भाई ये मेरे से नाराज हो गया लगता है शायद, क्योंकि ये बोल रहा था
एक सेकंड पहले तो भाई यहाँ पे फोन आ चुका है तो मैं फोन उठा लेता हूँ। Congratulations on your purchase and investment, little nephew. तो लेट गाइस, as usual हमारे चाचा का ही फोन था और उसने बोला कि भाई तुम इस चीज को याद रखना, ये मेरे फादर का गैस स्टेशन है और हम ज्यादा फैमिली वाले इंसान भी नहीं है, तो तुम्हें भाई इसको चलाना है तो तुम अकेले इसको बिल्कुल नहीं चला पाओगे। मैं बीच बीच में ईमेल्स भेज के तुमको गाइड करता रहूंगा कि तुमको इसको कैसे चलाना है। मतलब भाई चाचा बींग चाचा बहुत ही ज्यादा भाई मेरे ऊपर धोस जमा रहा था, लेकिन ठीक है इस चाचा को आगे चल के हम बता देंगे। बाकी यहाँ पे ना शायद मैं एक और पार्किंग एरिया खरीद सकता हूँ, लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, ये गाड़ी पलटी वगैरह पड़ी है और मैं पहले भाई बाहर निकल जाता हूँ, मुझे अभी पता नहीं क्या करना। फिलहाल तो भाई ये पुलिस मैन यहाँ पे आया हुआ है, इसका सामान मैं इसको दे देता हूँ और इसको बोल देता हूँ सर यहाँ से चले जाओ। और आई थिंक भाई इसको मैंने स्कैन नहीं कराया ढंग से, भाई पता नहीं थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ। और ये मेरे को थम्स डाउन क्यों दिखा रहा है, भाई क्या हो गया यार, पुलिस वालों से पंगे नहीं लेने चाहिए क्योंकि यार थोड़े से ना खतरनाक होते हैं। और मुझे अपना गैस स्टेशन ढंग से चलाना है तो भाई इनसे मुझे बना के रखनी पड़ेगी, वरना भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल तो भाई ये गाड़ी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, इसको मैं कैसे ठीक करूं भाई, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना कोई ग्लिच आ चुका है। और मेरे पास ना ईमेल्स वगैरह भी आए हुए नए, पहले तो भाई मुझे एक टास्क दिया हुआ है कि मुझे ना एक टॉयलेट खरीदना है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। और टॉयलेट खरीदने के लिए मुझे जाना है अदर्स में, ठीक है, और इधर जाना है मुझे पार्किंग नहीं टॉयलेट में मुझे जाना, ठीक है, तो $50 का मैं टॉयलेट भी बाय कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इसी के साथ भाई हमारा टॉयलेट भी हो चुका है। मतलब भाई लोग जब भी यहाँ आया करेंगे ना तो टॉयलेट वगैरह करने के लिए उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भाई ये देखो यहाँ पे, लेकिन मैं इसको बाद में यूज कर सकता हूँ शायद, पहले तो भाई ये बॉटल्स वगैरह जो पड़ी हुई है ना मैं साफ कर देता हूँ। और मिरर वगैरह देखो कितना ज्यादा गंदा है भाई, इसको तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ। ये भाई पोछा वाला सीन है क्या इसमें? नहीं यार, पता नहीं क्या सीन है, जो भी फालतू का कचरा वगैरह ना भाई उसको मैं यहाँ से हटाई देता हूँ और इसके अंदर फेंक देता हूँ, ठीक है। और ये बोतलें वगैरह भाई कौन पियक्कड़ यहाँ पे सूसु करके गया था। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है, पोटी है क्या ये, तेरी भाई इसको फेंक देता हूँ फटाफट से। और आई थिंक मुझे ना भाई अपना झाड़ू निकाल लेना चाहिए। और भाई कैसी जिंदगी आ चुकी, मतलब भाई टॉयलेट भी हमें खुद ही साफ करना पड़ रहा है, कोई भी स्टाफ वगैरह नहीं है मेरे पास, लेकिन ठीक है ये मैंने साफ कर दिया। और ये पेंट का डब्बा भाई क्या कर रहा है, इसको मैं फेंक देता हूँ डस्टबिन के अंदर और तू भी जाए यहाँ से। ऑलराइट, और भाई बंदा आ चुका है टोपी वगैरह पहन के, और ये 90s का गेम है तो इतनी स्टाइलिश कपड़े कैसे पहने हुए इसने। पहले तो भाई इसको सामान देके यहाँ से दफा कर देता हूँ। और इसने सिर्फ एक सोडा कैन लिया, ओ भाई काफी ज्यादा सोडा लिया है इसने, सारा का सारा सामान मैंने स्कैन करके इसको दे दिया है। और यार एक ट्रक आ चुका भाई फ्यूल लेने के लिए, तो इसको अंदर भी फ्यूल डाल देता हूँ। ऑलराइट, तो तू भी निकल यहाँ से। और अब ना भाई मैं ऐसा करता हूँ अपने पिलर्स को भी पेंट कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे ना पिलर्स ही रह गए थे पेंट करने से। और ये नीचे वाला एरिया नहीं, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे पिलर्स को करना है। तो पिलर्स तो आई थिंक मुझे वाइट ही का रखने चाहिए, तो मैं इनको वाइट ही कर देता हूँ। तो पहला पिलर डन, दूसरा कर देता हूँ। तो लेट गाइस, पिलर्स का काम भी हो चुका है, छत का भी काम हो चुका है, और फ्रंट के पिलर्स और दीवार सारी की सारी मैंने क्लियर कर दी है। और यहाँ पे ना कोई मस्टैंग लग रही है भाई, मुझे पुराने टाइम की या फिर कमेरो या फिर एल कमिनो, भाई पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। तो $13 का मैं इसको फ्यूल भर देता हूँ, ठीक है। और 39 भाई पता नहीं क्या हिसाब चल रहा है, बोल 13 रहा था लेकिन 39 का ले लिया इसने, लेकिन ठीक है। और ये टोपी भाई साहब लाइट वाली टोपी पहन के आ चुका बंदा, तो इसको मैं सामान दे देता हूँ। और इसने 8 प्रोडक्ट लिए भाई, तो ठीक है 8 ले या 28 ले भाई, मेरा ही फायदा होने वाला है। तो सारे के सारे प्रोडक्ट मैं जल्दी से स्कैन करके इसको भेज देता हूँ। तो लेट गाइस, इसने $2 के शायद मेरे को टिप भी दे दिए। और यार सब ना हॉर्न बजा बजा के मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली गाड़ी ना भाई पलट चुकी है और मेरे पास ना खुद की गाड़ी नहीं है। एक सेकंड मेरे पास रूडी है ना भाई, एक सेकंड मैं उसी को लेके आ जाता हूँ। पहले तो भाई मैं अपनी फ्यूल कैन में ना फ्यूल भर लेता हूँ। अरे भाई मैं तो टॉयलेट में घुस गया, एक सेकंड मैं अपने फ्यूल पंप पे चला जाता हूँ। और यार ये वाला डस्टबिन भी फुल हो चुका है, तो पहले तो भाई इस वाले डस्टबिन को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाला ट्रैश कैन मेरा कहाँ है भाई, ये रहा मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और मेरा रूडी का भाई, ये रहा भाई रूडी, बहुत खतरनाक है, शायद इसकी मदद से मैं उस गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। इसके अंदर पहले तो भाई मैं फ्यूल डाल देता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई मैं इसको भर के नहीं लाया यार, पहले गैसोलीन भर के मैं ले आता हूँ, ठीक है, तभी भाई मैं रूडी के अंदर फ्यूल भर पाऊंगा। और ये वाली मैडम थोड़ी देर वेट कर लो, मुझे अपनी फ्यूल कैन में फ्यूल भरना है। तो ये फ्यूल हो चुकी है और यहाँ पे गाड़ी भी आ चुकी है, तो इसके अंदर भी जल्दी से फ्यूल भर देता हूँ, ठीक है। इसने $56 का फ्यूल ले लिया। और ये वाली मैडम भाई पता नहीं कब तक वेट करेगी, तो इसको भी मैं जल्दी से प्रोडक्ट दे देता हूँ। इसके $12 का इसने सामान लिया था, जो कि सही चीज है, $12 कर करके ही भाई मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा एक दिन। और ये बत्ती का क्या सीन है भाई, यहाँ पे हमेशा बस्ती रहती है। पहले तो भाई अपने रूडी के अंदर फ्यूल डाल देता हूँ बहुत सारा। ऑलराइट, और ये हमारा रूडी फुल हो चुका है, तो इसके अंदर मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। और काफी ज्यादा भाई आवाज करता है ये, मतलब काफी ज्यादा आवाज करता है, क्या बताऊं। और इसके अंदर स्पीड बूस्ट का भी सिस्टम है, लेकिन इसके जो साइलेंसर है ना भाई पूरी तरह से गर्म हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन ठीक है। और इसकी हेल्प से ना भाई मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ। और हो जा सीधी हो जा भाई, हो जा प्लीज हो जा। नहीं, मैं स्पीड दे के लेके आता हूँ, एक सेकंड रूडी को मैं पीछे से लेके आता हूँ इसके। ओ भाई क्या हो रहा है। अबे भाई गाड़ी टकरा गई मेरे से, लेकिन एक सेकंड मैं इसको ना अपने रूडी को यहाँ से लेके चलता हूँ, एक सेकंड और यहाँ से भाई मैं इसके अंदर स्पीड देता हूँ। और सीधी हो जा,
नहीं यार, ये ऐसे तो सीधी नहीं हो पाएगी। मैं अपने रूडी को ना पीछे से लेके आता हूँ, इसको धक्का दे दे के मैं पीछे ले जाऊंगा, लेकिन मेरा रूडी कहीं पागल ना हो जाए, क्योंकि इसके साइलेंसर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। पहले इस साइड से मैं धक्का दूंगा ना तो शायद इस काम चल सकता है मेरा। तो एक सेकंड और निकल। भाई पूरी दम लगा दी मैंने, लेकिन ये सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही। और मेरी रूडी के साइलेंसर देखो भाई, ये फटने को है, लेकिन नहीं नहीं मुझे रेस नहीं देनी चाहिए अब। और ऑलमोस्ट सीधी हो चुकी है, ऑलमोस्ट सीधी हो चुकी है, सीधी कर दी भाई मैंने रूडी। भाई मेरा खतरनाक है, मानना पड़ेगा। और फिलहाल तो भाई ये बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है ना, तो इसको ठंडा करने के लिए मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ओ भाई इसने बहुत ही तगड़ा काम किया, मतलब भाई बहुत ज्यादा देर से वो हॉर्न दे के परेशान हो रही थी, लेकिन मैंने उसकी हेल्प कर दी, जिसको करके भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, मैं इसके अंदर फ्यूल डाल देता हूँ। और मुझे ना शायद अंदर से भी अपना जो गैस स्टेशन है ना भाई, रेनोवेट करना पड़ेगा, मतलब काफी ज्यादा भाई ये गंदा हो रखा है। पहले तो भाई इनको मैं सामान देकर भगा देता हूँ यहाँ से, और अपने ना भाई इस गैस स्टेशन को मैं बंद करके आ जाता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है। मेरा ना मन नहीं कर रहा भाई रात के टाइम काम करने का, क्योंकि मुझे ना भाई अपने इस गैस स्टेशन को बहुत ही ज्यादा रेनोवेट करना है। तो ये वाले लोग ना भाई मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैं ना भाई इसको साफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले तो भाई मैं ऐसा करता हूँ, ढंग से इसकी सफाई कर लेता हूँ, पोछा लगा देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पैरों के निशान यहाँ पे छपे हुए हैं। और गंदगी भाई पीक लेवल पे, मतलब इतनी ज्यादा गंदगी करते लोग भाई बिल्कुल भी समझदार नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लोग हैं, और गंदगी इतनी ज्यादा करते हैं क्या बताऊं। और इसको भी मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे जितना भी कूड़ा पड़ा है भाई, सारा का सारा मैं इसके अंदर डाल देता हूं डस्टबिन के अंदर। भाई पैकेट्स को ना खा के यही फेंक रहे हैं, ये गलत बात है। जो कि तो अंदर मैं सोच रहा हूं भाई कौन सा कलर करूं। मैं ना एक बार आपको कलर ऑप्शन दिखा देता हूं, मेरे पास बहुत सारे कलर ऑप्शन है, आई थिंक मुझे ये वाला कलर ट्राई करना चाहिए। मैं ना इस वाली दीवार पे एक बार करके देख लेता हूं ये कैसा लगने वाला है। और ये ना भाई काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो सही लग रहा है, मतलब इतना ज्यादा नहीं यार, इतना ज्यादा मस्त नहीं लग रहा है, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं ये वाला कलर ट्राई करके देख लेता हूँ ये वाला कैसा लगने वाला है। और ये वाला कलर भी नहीं यार, इससे तो पहले वाला ही ठीक लग रहा था। मैं और भी देख लेता हूँ भाई मेरे पास कौन कौन से कलर्स हैं। मेरे पास काफी ज्यादा कलर्स हैं, लेकिन यार वॉलपेपर्स भी है मेरे पास। ओ वॉलपेपर्स में ये वाला वॉलपेपर ट्राई करके देखूंगा एक बार। एक सेकंड ओ तेरी भाई, वॉलपेपर तो काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, एक बार देखते हैं हम। और मैं कौन सा वाला लगाऊं भाई, क्रिसमस वाला मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी ना फिलहाल क्रिसमस ही गया है, तो क्रिसमस वाला ठीक लगेगा। तो मैं सारी की सारी दीवारों पर भाई ये वाला वॉलपेपर लगाने वाला हूँ, और जो कि भाई काफी ज्यादा मस्त लगने वाला है। तो ठीक है, ये वाली दीवार पे लग चुका है। ऐसे ही करके भाई सारे के सारे गैस स्टेशन को अंदर से फिलहाल थोड़े टाइम के लिए हम इन्हीं वॉलपेपर्स में हम रंग डालते हैं। तो लड़ गई सामने वाली दीवार पे, तो भाई मैंने क्रिसमस वाले वॉलपेपर लगा दिए, जो कि भाई दिखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास और भी अगर तगड़ा सा कोई ऑप्शन होगा ना भाई, मैं उसको लगाने वाला हूँ। ये वाले मुझे ऐसा लगता है आमने सामने वाली दीवारों पर मुझे रखने चाहिए, मतलब मैं सेम टू सेम वॉलपेपर नहीं लगाने वाला सब दीवारों पर, थोड़ा बहुत ना हम डिफरेंट लुक भी देने वाले भाई अपने इस ऑफिस को। बाकी भाई ये वाला ठीक लग रहा है क्या, ये वाला ठीक लग रहा है, मतलब थोड़ा हेलोवीन टाइप लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, हेलोवीन के आसपास ही तो क्रिसमस आता है ना, तो ठीक है कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं हेलोवीन वाला लगा देता हूँ। तो इस वाली दीवार पे भाई मैंने हेलोवीन वाला लगा दिया, अब मुझे सेम टू सेम इस पे भी लगाना पड़ेगा। और भाई सेंटा की मुझे आवाज आ चुकी है, लेकिन सेंटा भाई मुझे दिखता नहीं है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना सेंटा से, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ। अबे यार ये तो भूत है, सेंटा है किधर भाई, आसमान में देखूंगा एक बार, आसमान में भी नहीं है, किधर भी मैंने देख लिया, लेकिन भाई आवाज ना बहुत जोर से आ रही है उसकी, किधर है भाई सेंटा क्लॉज, लेकिन नहीं यार सेंटा नहीं है, सेंटा भाई पागल बना रहा हमारा। तो लड़ गई आमने सामने की दीवार पे हो चुके भाई ये हेलोवीन वाले कलर, अब मुझे करना है सेम टू सेम क्रिसमस वाला कलर आमने सामने वाली दीवारों पे। तो ठीक है, मैं ये वाली दीवार को भी जल्दी से निपटा डालता हूँ। तो इसी के साथ भाई दीवारों का काम तो मैंने तमाम कर दिया, अब बारी है छत की। तो छत पे तो भाई मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, व्हाइट कलर ही करने वाला हूँ नॉर्मल, तो जल्दी से भाई मैं व्हाइट कलर भी कर डालता हूँ। और एक सेकंड भाई क्लोज कर, ये तो ऊपर से होने लग गया, मुझे शायद पिलर्स पे करना है। एक सेकंड मैं पिलर्स पे कर लेता हूँ, एक बार पिलर्स पे करने से शायद चारों तरफ हो जाएगा, मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। नहीं यार ये पूरी की पूरी छत पे होने लग जाता भाई, ये क्या चक्कर है भाई, नहीं यार मुझे शायद छोड़ देना चाहिए इसको ऐसे ही, और एक बार ना फिर से ट्राई करके देख लेता हूँ। नहीं यार ये पूरी की पूरी दीवार पे हो रहा है, जो कि सही चीज नहीं है। तो आई थिंक मुझे अपना गैस स्टेशन ना इतना ही रखना चाहिए, और फर्श पे तो मैं नहीं कर सकता, फर्श तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही रहेगा, जो कि ठीक है कोई गलत बात नहीं है। और मेरे पास हो चुके $510, और पीसी मेरा कॉर्नर में आ चुका है। अच्छा ये एक्स्ट्रा पीसी है, तो इसको मुझे उठा के कहीं और रखना चाहिए क्या, ये वाली टीवी तो फूट चुकी है यार, इसको तो मैं ऐसा करता हूँ डस्टबिन में डाल देता हूँ, इसका तो शायद कोई काम नहीं है। और कूड़ा बेच के मुझे शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हो ही जाता है। फिलहाल तो भाई मेरा गैस स्टेशन पूरी तरह से बंद है। एक सेकंड भाई मैंने इनको नहीं हटाया था क्या, तो ठीक है मैं इनको भी हटा देता हूँ जल्दी से। और कौन है भाई, चोर आ चुका है। एक सेकंड ओ भाई चोर कहाँ पे आ गया, मुझे लगता है वेयर हाउस के अंदर गया होगा 100% भाई, वेयर हाउस के अंदर चोर कहाँ पे भाई, इधर से सामान चोरी करने आया था कि नहीं यार इधर भी नहीं है, लेकिन मेरे को आवाज आई थी भाई चोर की।
और चोर है किधर भाई? थोड़ा खतरनाक सा ही चोर लग रहा था, उसकी हंसी की आवाज आई थी मुझे, और कुछ चोरी करके जा चुका है शायद भाई। मुझे ना अपने ऐसा करता हूँ, वेयर हाउस के ना जो दरवाजे हैं मैं उनको बंद कर देता हूँ, वरना भाई चोरी होती रहेगी। तो वेयर हाउस के दरवाजे बंद होंगे लीवर से, जो कि भाई ये वाला। तो ठीक है, मैं फटाफट से इसको डाउन कर देता हूँ ऑलराइट, और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ खुद, और इसको लॉक लगा देता हूँ ऑलराइट। अब भाई कोई चोरी नहीं कर सकता, और हमारा गैस स्टेशन अंदर से भी काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, मतलब वॉलपेपर से ठीक ही लग रहा है। थोड़े टाइम के लिए वॉलपेपर है, उसके बाद मैं पेंट ही कर दूंगा नॉर्मल सा। बाकी भाई आज के दिन मैंने बहुत ज्यादा काम किया, ठीक ठाक सा पैसा भी जमा कर लिया, अपने इस जगह को रेनोवेट भी कर दिया, जिसमें भाई काफी ज्यादा मजा आया। और चाचा से फाइनली भाई ठीक ठाक से बात हो गई, तो चाचा भी हम सब नाराज नहीं है, मतलब चाचा भी भाई अपनी गलती मानता है। तो अब शायद हमें बिजनेस में और ज्यादा जल्दी जल्दी फायदा हो जाएगा, क्योंकि चाचा जो भाई एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है, तो वो ना भाई हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है हमारे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। फिलहाल तो भाई अपने इस गैस स्टेशन को हम बंद ही रहने देते हैं, इसको हम खोलेंगे कल यानी कि भाई अगले एपिसोड में। बाकी भाई आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।